एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर तैनात शेरनी दस्ते के महिला आरक्षियों को कैप्सूल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में चौरी चौरा सीओ सर्किल के शेरनी दस्ते को आरक्षियों को कैप्सूल प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिला आरक्षियों को बताया गया कि पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इसके संबंध में शेरनी दस्ते को प्रशिक्षण देते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने उन्हें सामाजिक ज्ञान भी बताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, 26 नवंबर 1949 में इसका समिति के अध्यक्ष थे, इतना तो हल्का फुल्का जानकारी हो, लेकिन लागू हुआ कब कहानी है। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने। बिल्कुल सही, 2 साल 11 महीने 18 दिन कहने का 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, तो 6 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने का कुछ चीजें तो हमेशा दिमाग का टेस्ट किया करना ही चाहिए। अपने जनपद में श्रेणी दस्ता का गठन हुआ है, माननीय मुख्य महोदय के कर कमलों से जो श्रेणी दस्ता को जो स्कूटी वगैरह मिली हैं उसका फ्लैग ऑफ हुआ था अभी 6 जुलाई को। हर थाने पर श्रेणी दस्ता बना हुआ है, हर थाने को 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये जो हमारी महिला दस्ता हैं, ख़ासतौर से महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना क्षेत्र में भ्रमण सिंह रहेंगे, तो उनको कैसे व्यवहार करना है, उनको हिम्मत देने के लिए जो उनका कर्तव्य क्या होगा, कर्तव्य बोध दिलाने के लिए, तो हर पहलुओं पर 3 दिन से ये ट्रेनिंग चल रही है। 3 दिन मतलब ये हर सर्कल की ट्रेनिंग चल रही है। आज ये 4th सर्कल चौरी चौरा की ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक पहले सबसे पहले कैंट सर्कल का हो चुका है, उसके बाद कोतवाली सर्किल, फिर गोरखनाथ सर्किल, आज ये चौरी चौरा सर्किल का आज 3रा दिन है। तो पिछले 20 तारीख से ट्रेनिंग चल रही है। तो आज जो ट्रेनिंग का ये मेरा सत्र था, महिला एनजीओ से बातचीत एवं चर्चा। तो महिला एनजीओ की तरफ से यहाँ पर श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम आई हुई थी, तो महिला एनजीओ के संबंध में इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। और इनको, इन बच्चों को हमारे जो महिला कर्मी हैं, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए किस तरह से जनता के बीच इनको अपना ये राजकीय दायित्व निभाना है, उसके छोटे छोटे पहलुओं पर भी काफ़ी चर्चा किया गया, इनको संबल प्रदान किया गया। ये आज का बस यही ट्रेनिंग सेशन था। आज चौरी चौरा सर्कल का आज समापन दिवस है जी। बिल्कुल है, यही सब बातें हैं। इनको काफ़ी विस्तार से पुलिस को कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, इनको यहाँ तक बताया गया कि मैंने बताया कि पुलिस शुड बी ए टू जेड के भी बहुत ढेर सारे डायमेंशंस हैं। इनको एक्टिव रहना है, ए से एक्टिव रहना है, बी से ब्रेव रहना है, सी से कमिटेड होना है, और डी से डिसिप्लिन रहना है। इनको ई से इफेक्टिव होना है, उनका प्रभाव दिखाई पड़े, इनको गट्स के साथ काम करना है, इनको गट्सी होना है, ऑनेस्ट रहना है, इंटेलिजेंट होना है,
तो इसी तरह से विस्तारपूर्वक इनको हर छोटे छोटे बातों पर भी बताया गया।